दोस्तों एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हंसना नहीं है, ये दोनों बाबू हमसे मिले हैं तो इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया है हमसे कि आप चलिए स्कूल के अंदर और हम लोग आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो फिर हम इन लोगों के पास आए हैं, थोड़ा और आगे आ जाओ आप तक आवाज हमारी आप तक पहुंच सके वीडियो में। इन लोगों से मैं पहले पूछा हूं तो ये लोग बोल रहे हैं दोनों दोस्त कि हम लोग गेम का चैनल है हमारा, गेमिंग करते हैं हम लोग, यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं गेम का। तो मैं इन लोगों से और भी कुछ जानना चाहूंगा, ये जो यूथ है क्या केवल गेम में लगा हुआ है या कुछ जानकारी भी हासिल कर रहा है, क्या पढ़ाई कर रहा है, क्या ज्ञान अर्जित कर रहा है। जैसे जिंदगी अस्थाई है तो जिंदगी को अस्थाई बनाने के लिए अस्थाई ज्ञान का होना जरूरी है, जिससे कि पूरी जिंदगी हम अच्छे से जी सकें। इसके लिए ज्ञान ही एक ऐसा मार्ग है जो जीवन में अस्थाई शांति समृद्धि और जीवन के अनेक अनेक दरवाजों को खोलता है, उसके विषय में हम जानकारी लेंगे। और आज के समय में 9th और 10th के बच्चे छोटे नहीं है, समय बिल्कुल बदल चुका है। छोटे छोटे बच्चे भी बहुत सारे बहुत सी फील्ड में ज्ञान दे रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं। अभी सोनू जो वायरल हुआ था, वो बच्चा भी चाहता तो पढ़ाते समय वीडियो बना लेता लेकिन फ्री में ज्ञान देता था, वो संजोगवश नीतीश कुमार जी की रैली में पहुंचा, वायरल हो गया, सही है ना। तो क्या आप लोग भी वैसा कुछ कर रहे हो ज्ञान को लेकर के, इसी विषय में हम आपसे पूछेंगे। आप ये बताओ आप किस क्लास में पढ़ते हो, 10th बोले हो ना, अभी हम थोड़ी देर पहले पूछे थे 10th और ये बच्चा 9th में। कौन कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम बताओ, कौन कौन सा सब्जेक्ट है। इंग्लिश, मैथ, सामाजिक विज्ञान, कला और नैतिक शिक्षा नहीं है। हाई स्कूल में नैतिक शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है बिल्कुल। आप सब्जेक्ट का नाम बताओ पहले, कितने सब्जेक्ट कितने ये बताओ। हमारे का सात छह सब्जेक्ट है, नैतिक शिक्षा नहीं है। एक मिनट, हम इत्मीनान से आपसे पूछेंगे कौन कौन सा सब्जेक्ट है। हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश, मैथ, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, कला। बहुत ही अच्छा, ये बच्चा पहली बार घबरा गया होगा कैमरे को देख करके, लेकिन अभी सही बोला है, बिल्कुल ही वीडियो अनकट बन रही है ना, समझिए कि वीडियो कट करके फिर इसको समझाए हैं फिर बना रहे हैं। आपके भी क्लास में सारी चीजें होंगी है ना। ये बताओ आपसे हम पहले पूछेंगे कौन सा आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। मेरा सब में ध्यान उतना ही है, लेकिन उसमें भी सबसे फेवरेट कौन सा है। इंग्लिश है। क्या आप इंग्लिश के हम कुछ सेंटेंसेज आपसे पूछेंगे तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, हिंदी टू इंग्लिश कर सकते हो, पूछ सकते हैं हम आपसे। अच्छा ये बताओ कि राम घर जाता है क्या होगा। राम गो टू हाउस, राम गो टू हाउस होगा भाई, गोइंग टू हाउस होगा, राम गुड हाउस, राम गोज टू हाउस होगा, राम घर जाता है कौन सा टेंस है। चलो कोई बात नहीं। अच्छे बताओ टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तीन, कौन कौन से। पांच फीचर पड़ जाए, ये उल्टा पुल्टा क्यों बता रहे हो। कौन कौन से होते हैं इत्मीनान से बताओ आप। भूतकाल, भविष्य काल, काल, ये सही बोले हैं, लेकिन आगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अभी हम प्रेजेंट में हैं, जो बीत गया वो क्या है, पास्ट है, और जो आने वाला है वो क्या है, फ्यूचर है। एक एग्जांपल आप प्रेजेंट टेंस का दो, एक एग्जांपल पास्ट टेंस का, और एक एग्जांपल फ्यूचर टेंस का इंग्लिश में दे सकते हो। जैसे राम घर जाता है प्रेजेंट टेंस है, राम घर जाता था पास्ट टेंस है, और जाएगा वो फ्यूचर होगा। तो इस तरीके से इंग्लिश में तीन सेंटेंसेस का एग्जांपल आप दे दो हमको। हिंदी में तो हम ही बता दिए, तो राम की जगह पे आप श्याम बोल दोगे, श्याम की जगह पे घनश्याम बोल दोगे, घनश्याम की जगह पे मुरारी और त्रिपुरारी मुस्लिम बोल दोगे, नहीं दे सकते, नहीं दे पाओगे। तो आज जा करके इसका प्रैक्टिस करोगे,
हम भी बहुत सी चीजें ऐसे जो नहीं जान रहे थे, जो वाक्य लिखे गए हैं कोटेशन के, उसमें से अर्थ नहीं मालूम था, तो हम उसको इसीलिए वीडियो बना करके रख लिए हैं ताकि घर जाके पढ़ेंगे इसमें क्या मेंशन किया गया है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है, जिससे कि हम आगे किसी को उसके विषय में कोई पूछे तो हम बता सके, ठीक है। ये बच्चा गेम खेलता है और हमको बोल रहा था, गेमिंग का चैनल है इसके पास और बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। बाबू अभी जैसे गेमिंग के सेक्टर में बहुत कम लोग हैं, तो बहुत कम लोग हैं, तो अधिक से अधिक लोगों को YouTube पे वीडियो बनाने के लिए लालच दे रहा है और आपकी वीडियो को वायरल कर रहा है। अब आप वायरल हो जाओगे, आपके स्कूल के 10 बच्चे और गेमिंग करने लगेंगे पढ़ाई छोड़ करके। हाँ, और जब ज्यादा लोग हो जाएंगे तो बंद कर देगा और फिर उसके बाद बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, चिड़चिड़ापन रहता कि हमारा वीडियो नहीं चल रहा है। 1 घंटा से ज्यादा नहीं देना है वीडियो में, कितना, 1 घंटा, किस लिए, मनोरंजन के लिए, और हो सके तो मोबाइल छूना ही नहीं है। आप गेम फुटबॉल खेलते हो ना, क्रिकेट खेलते हो ना, अपने खेलने का वीडियो बनाओ, ठीक है। अब ये बाबू आपसे बात करेंगे हम, आप जो खेलते हो फ्री फायर ना खेलो, जो खेल रहे हो उसका अपना वीडियो बना के डालो कि हम यहाँ क्रिकेट खेलने आए हैं, पबजी छोड़ दो, हम यहाँ क्रिकेट खेलने आए हैं, उससे तुम्हारा वीडियो वायरल होगा, उसमें पबजी का चेहरा नहीं जाएगा, ठीक है, तुम्हारा चेहरा वायरल होगा, और खेले गए, अपलोड किए, सो गए पढ़ लिख करके, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं इसको एडिट नहीं करेंगे, ऐसे ही डालेंगे, इसलिए डालेंगे, गाली गलौज है नहीं, तो गाली गलौज है नहीं तो एडिट क्यों करें हम, ठीक है। अब आप जो है 9th में पढ़ रहे हो, आपका आप सब्जेक्ट मैथ्स है आपका, मैथ्स से हो, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, विज्ञान है, विज्ञान है, विज्ञान में कुछ भी पूछे बता दोगे सर, नवी जानकारी नहीं है। अच्छा, कौन सा चैप्टर आप ज्यादा जानते हो विज्ञान में, ये बताओ, आपको लग रहा है ना वीडियो बनाना आसान है, देखो अभी तुम लोगों से जो विषय बोलोगे उसी विषय पे प्रश्न करेंगे हम, कौन सा विषय आपका अच्छा है, विज्ञान अच्छा है, विज्ञान का कोई चैप्टर बताओ, प्रकाश अच्छा है, इलेक्ट्रिक अच्छा है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम अच्छा है, या पद्धति जो है मापन पद्धति अच्छी है, प्रकाश के बारे में, प्रकाश बता दोगे आप, चलो बहुत अच्छा, फोकस दूरी को किस प्रतीक से डिनोट करते हैं, फोकस दूरी का प्रतीक क्या है, ना ना ना, फोकस दूरी का मात्रक क्या है, अच्छा, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष जानते हो ना, नहीं जानते हो, एक बार जा करके आप पहले नहीं पढ़ाया गया, ये बोलना आसान है, अगर नहीं पढ़ाया गया है तो YouTube पे हर एक वीडियो है, पढ़ाने का भी वीडियो है, आप मास्टर को दोष नहीं दे सकते कि नहीं पढ़ाया गया है, टीचर को किसी कीमत में आप दोष नहीं दे सकते, क्यों, आप गेमिंग का वीडियो देख रहे हो और वही जा करके किसी एजुके आपका जो चैप्टर है प्रकाश, आप जा करके सर्च करो यूट्यूब पे 10th स्टैंडर्ड लाइट चैप्टर, प्रकाश का चैप्टर 10वीं कक्षा का, उसमें सब कुछ बताया गया है। अब आप बहाना नहीं कर सकते हो, बहुत से बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और डीएम एसडीएम बन रहे हैं, जोश टॉक का चैनल देखते हो आप, जोश टॉक सब्सक्राइब करो, ठीक है, स्टडी IQ यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, स्टडी ग्लो ये यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करो, अन एकेडमी यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करो, अभिनय मैथ तो जानते हो, अभिनय मैथ यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ मोहित गोयल यूट्यूब का चैनल है मैथ पढ़ाते हैं उनको सब्सक्राइब करो, आप इन सब चैनलों को सब्सक्राइब करके एग्जामपुर इसको सब्सक्राइब करो, उत्कर्ष क्लासेज इसको सब्सक्राइब करो, आप दोनों लोग ये नहीं बोल सकते कि ये नहीं पढ़ाया गया है, आपको पता है आप किसका हिनाई कर रहे हो, इस विद्यालय के उस टीचर का हिनाई कर रहे हो जिसके पढ़ाए हुए हजारों लड़के आज अलग अलग फील्ड में नाम रोशन कर रहे होंगे इस स्कूल का, आज जा करके हमारी वीडियो को देख करके इन सभी चैनलों को सब्सक्राइब करके इनकी वीडियोस को देखना, और गेमिंग करना बंद कर दो, जो गेमिंग का वीडियो अपलोड किया हो उसी पे रोक दो, अब कहीं पे आए दोस्तों के साथ खेल रहे हैं वही वीडियो शूट करके वही अपलोड कर दिया, अलग से फ्री फायर, अलग से पबजी, अलग से
जो भी नए नए गेमिंग चैनल आ रहे हैं उस पर समय इन्वेस्ट नहीं करना है। क्यों आपका वीडियो प्रमोट कर रहा है यूट्यूब? क्योंकि गेम में अभी कम लोग हैं, आपको आपको प्रमोट कर देगा उसी लालच में 10 लोग और आएंगे और उनका जीवन झंड हो जाएगा। ठीक है, जीवन को अस्थायी बनाने के लिए, जीवन को जीवन में सम्मान पाने के लिए क्या जरूरी है? शिक्षा। ठीक है, जैसे इस पृथ्वी पे हरियाली के लिए पौधा जरूरी है, वैसे जिंदगी में हरियाली के लिए क्या जरूरी है? शिक्षा। ठीक है, हम ये वीडियो जो शूट कर रहे हैं, आप बताओ हमारे पास जानकारी नहीं होता तो हम पढ़ाई की बात करते आपसे? नहीं करते, इसीलिए हम बोल रहे हैं पहले पढ़ाई और बाद में ही सब कुछ है। कम से कम आप लोग 9th और 10th में हो तो 3 घंटे